गाइज स्वागत है सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। और गाइज इंस्टाग्राम स्टोरी के अंदर अगर आपने आस्क मी या क्वेश्चन का अगर टैग लगाया हुआ है तो गाइज जैसे कि हम इस तरीके से गाइज ओपन करते हैं अपने इंस्टाग्राम को, और इंस्टाग्राम को ओपन करने के बाद अगर स्टोरी के अंदर अगर हम चलते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने एक फ़ोटो के ऊपर जो है आस्क मी या क्वेश्चन का ये एक टैग लगाया हुआ है। और गाइज जब ये टैग हम लगाते हैं तो जो स्टोरी हमारी देखते हैं जो लोग, वो लोग जो है क्वेश्चन यहाँ पर पूछने लगते हैं। आस्क मी या क्वेश्चन के अंदर लोग अगर आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं और अगर आप उसका जो है रिप्लाई अगर गाइस करना चाहते हो और आपको नहीं पता कि आप जो है उसका रिप्लाई किस तरीके से कर सकते हो, तो अब मैं उसके बारे में जो है आगे आपको बताने जा रहा हूं। तो गाइस इसके बारे में आगे कुछ बताऊं तो इससे पहले कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो जरूर आप गाइस इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि इस तरीके की इन्फॉर्मेशन वीडियोज आपको देखने को मिलती रहे। तो गाइस आज के मैं क्वेश्चन का अगर टैग लगाया है और लोग आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं और उसका रिप्लाई अगर आप करना चाहते हो तो उसका रिप्लाई करने के लिए गाइस जब आप अपने स्टोरी को जो है इस तरीके से ओपन करोगे तो नीचे के साइड में जो है गाइस जितने भी लोगों ने आपके स्टोरी को देखा होगा या फिर जितने भी लोगों ने आपसे क्वेश्चन पूछा होगा वो सारे लोग आपको जो है नीचे के साइड में देखने को मिलेंगे। तो उसके ऊपर जो है गाइज आपको क्लिक कर लेना है, आपको एरो का मार्क भी दिख रहा होगा तो गाइज उसके ऊपर जो है आपको क्लिक कर लेना है। इस तरीके से गाइज क्लिक कर लोगे जब, तो गाइज इस तरीके से क्लिक कर लेने के बाद जब आपके मोबाइल के अंदर इस तरीके का डेस्कटॉप खुल जाएगा तो जितने भी लोगों ने आपके स्टेटस को देखा होगा उन लोग और जितने भी लोगों ने आपसे जो है स्टेटस के अंदर आस्क मी या क्वेश्चन किया होगा वे लोग आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। और क्या क्या क्वेश्चंस आपके से गाइज पूछे गए हैं वो क्वेश्चंस भी आपको जो है देखने को यहाँ पर मिल सकता है। तो जिस भी क्वेश्चन का आपको रिप्लाई करना होगा उसके नीचे जो है गाइज क्वेश्चन के नीचे रिप्लाई का ऑप्शन दिया गया है, इस रिप्लाई वाले ऑप्शन के ऊपर आपको क्लिक कर लेना है। जिस भी क्वेश्चन का आपको रिप्लाई करना होगा उसी के नीचे रिप्लाई वाले ऑप्शन के ऊपर आपको क्लिक करना है। तो गाइज जिस क्वेश्चन के ऊपर जो है हम रिप्लाई करना चाहते हैं उस क्वेश्चन के नीचे साइड में रिप्लाई वाले ऑप्शन के ऊपर हमने क्लिक किया है और इस तरीके से हमें डेस्कटॉप देखने को मिल रहा है गाइज। तो अब इतना कर लेने के बाद गाइज यहाँ पर जो है नीचे के साइड में आपके प्रोफाइल का पिकअप दिख रहा होगा और शेयर रिस्पॉन्स वाले ऑप्शन के ऊपर जो है आपको क्लिक कर लेना है। इस तरीके से जब इस तरीके से गाइज क्लिक कर लोगे आप तो अब यहाँ पर आप देखते हो इस तरीके का डेस्कटॉप आपके सामने खुल जाएगा। तो गाइज अब यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको जो है ए ए वाले ऑप्शन के ऊपर जो है इस तरीके से क्लिक कर लेना है। जब इस तरीके से गाइज करोगे तो आपका जो ये बैकग्राउंड है वो बैकग्राउंड चेंज हो जाएगा। अगर गाइज आप जो है इसके बैकग्राउंड को और भी बहुत सारे ऑप्शन है बैकग्राउंड के ऑप्शन है आपको नीचे साइड में एरो वाले मार्क के नीचे जो है सर्किल में आपको देखने को मिल सकता है। जब उस सर्किल के अंदर आप क्लिक करोगे तो बहुत सारे जो है बैकग्राउंड है ऑप्शनल हैं, जिस भी जो है बैकग्राउंड को आपको रखना होगा उस बैकग्राउंड को आप रख सकते हो। तो गाइज ये जो है कुछ इस तरीके से आप कर सकते हो। तो गाइज अब वो क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है जिस तरीके से मैंने एक फोटो में जो है आस्क मी क्वेश्चन किया था और उसमें जो है मुझसे क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट इज़ योर नेम। तो गाइज अब जो है इसका रिप्लाई करने के लिए आपको जो है यहाँ पर ए ए वाले जो है ऑप्शन के ऊपर इस तरीके से क्लिक करोगे जब, और जब इस तरीके से क्लिक कर लेना है और क्लिक कर लेने के बाद जो है आपको अपने मोबाइल के ऊपर जो है क्लिक करना है। जब अपने मोबाइल के स्क्रीन पर क्लिक करोगे तो अब यहाँ पर आप देख सकते हो जो भी आपको रिप्लाई लिखना होगा वो रिप्लाई आपको यहाँ पर लिख लेना है। तो मुझसे पूछा गया है व्हाट इज़ योर नेम, मैंने गाइज एक नाम यहाँ पर लिख दिया है। इस तरीके से रिप्लाई गाइज ये हो गया। रिप्लाई जब मैं इस तरीके से नोट कर लूँगा, टाइप कर लूँगा, जब रिप्लाई गाइज रिप्लाई टाइप करने के बाद जो है डन वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर लेना है ऊपर के साइड में। इस तरीके से क्लिक कर लेने के बाद जो है डन के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करने के बाद गाइज नीचे के साइड में जो है सर्किल में एरो बना हुआ है उसके ऊपर आपको क्लिक कर लेना है। इस तरीके से क्लिक कर लेने के बाद अब जो है फिर से आपको शेयर वाले ऑप्शन के ऊपर आपको क्लिक कर लेना है गाइज। शेयर के ऑप्शन के ऊपर जब आप इस तरीके से गाइज क्लिक कर लोगे इस तरीके का डेस्कटॉप जो आपको मोबाइल में खुलेगा तो आपको डन वाले ऑप्शन के ऊपर आपको क्लिक कर लेना है। जब गाइज आप इतना कर लोगे तो अब जो वो क्वेश्चन था उस क्वेश्चन का हमने रिप्लाई कर दिया है और कुछ इस तरीके से गाइज उसकी एक अलग से जो है स्टेटस भी लग चुकी है। तो कुछ इस तरीके से गाइज आप किसी भी जो है आस्क मी या क्वेश्चन वाले बंदे को इसी तरीके से रिप्लाई कर सकते हो। तो ये गाइज आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, समझ में आई होगी, जरूर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि सभी इन्फॉर्मेशन वीडियोस आपको देखने को मिलती रहे।